लेट्स स्टार्ट बिजनेस। यस बिल्कुल। डियर साक्स, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली और हम अपना प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। क्या है दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? है ग्लोबल वार्मिंग? नहीं। पानी की समस्या? नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दाग। दाग? जी हाँ, दाग। तेल के दाग, खेल के दाग, जिद्दी दाग, पित्ती दाग, बारिश के दाग, खारिश के दाग, हल्दी के दाग, जल्दी के दाग, स्याही के दाग, हलवाई के दाग। दाग है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। और इन सारे दागों को हटाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा यूनिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहाँ है? ये हमारे हाथ। अच्छा हाथ। आपको पता है चांद पे दाग क्यों है? क्यों है? वो नील आर्मस्ट्रांग अकेला चला गया था वहां पे, हमको साथ में लेके जाता तो नील के साथ थोड़ा वॉशिंग पाउडर मिला के। दाग अच्छा चीज नहीं है सर। दाग ना बहुत डेंजर चीज है। डेंजरस चीज? हाँ हाँ, आपको पता है अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे यहाँ बगल में पड़ोस में गुप्ता जी है, आप नहीं है, बगल में गुप्ता जी हाँ, वो एक दिन थोड़ा सा पी के रात को ना ऐसा घर पे आए, उनके शर्ट में लिपस्टिक का दाग था, उनकी वाइफ इतना गुस्सा हुई, गुप्ता जी ने सॉरी भी बोला कि सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, सॉरी बिंदिया, वो वाइफ ने एक ना सुनी, टेरिस पे से गुप्ता जी को धक्का मार दिया। एक इतनी दाग के लिए धक्का दे दिया? नहीं नहीं, दाग के लिए नहीं दिया, वो वाइफ का नाम बिंदिया नहीं था ना, सरिता था। हमने टाइम पे दाग निकालना बहुत जरूरी है, तो हम शार्क्स, हम अपनी 15% इक्विटी के लिए आपसे मांग रहे हैं 15 करोड़ रुपए। लॉन्ड्री के काम के लिए 15 करोड़ रुपए? 15 ज्यादा होता है। हाँ। ज्यादा होता है आपके लिए? नहीं, ठीक है, तो 15% इक्विटी के लिए 15,000 रुपए। तो पहले 15 करोड़ क्यों बोला फिर? हमको लगा इतना अमीर लोग हैं, इनके लिए 15 करोड़ भी 15,000 जैसा होता होगा। तो इसके लिए पहले इनके हिसाब से 15,000 मांग लिए, अब हम अपने हिसाब से 15,000 मांग लिए। मैं 15 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ यदि आप और अनुपम पेयर बन रहे हो तो। अभी अभी आपने कहा कि पैसा नहीं है, नहीं है कुछ, अब अगर रिश्ता बन रहा है तो पैसा वहां से आ रहा है। दे रहा हूं, आपने जो बोला ना कि नहीं है, है आ रहा मैं दे रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा ये 15 करोड़ का? रिश्ता कायम करना है। सेकंड शादी? साथ कायम का मतलब समझाओ मुझे। एक और ऑफर हम आपको दे रहे हैं, आप सभी लोग जो हैं हमारे साथ डांस करेंगे, और अगर हमारे साथ डांस नहीं किए तो शार्क्स हम आपको काटेंगे, वो भी गर्दन पे। राहुल। हाँ जी सर। जब आप आए थे तो मैंने आपसे पूछा था, हाँ जी, कि आपने सब शार्क्स के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बस अमन से बात शुरू करी थी और बीच में बात रह गई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या ऑब्जर्व किया फिर आपने सबके बारे में? सर बेसिकली क्या हुआ कि शार्क टैंक में ना ये लोग तो बैठते थे अपना वो कुर्सियां वर्सियां डाल के, हाँ। मुझे कमल की कुर्सी दे रखी लाल रंग की, प्लास्टिक वाली, अलग से बाहर मुझे 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 जाने भी नहीं देते थे, कह रहे सुनो वहाँ बहुत अमीर लोग हैं, तुम जो अपना आनी दवानी लेके घूम रहे हो ना बाहर। तो अब जैसे नमिता मैम है ना, ये वो है टाइम कीपर, ये बिल्कुल टाइम पे आ जाती है बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम लोग सब लोग ऐसा ये क्या अगले दिन आते हैं? नहीं, 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 नहीं। इनको बुलाने पड़ते हैं सर, ये बुलाने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसे कान पकड़ के लाना पड़ता है तो जैसे वो न्यूज चैनल के साथ सारे सारी दुनिया टाइम मैच करती है ना कि हाँ देखें कितना टाइम, न्यूज चैनल वाले इनके साथ टाइम मैच करते हैं कि हाँ देखें कि 9 बज गया कि नहीं बज गया। अच्छा, नमिता जी आ गई, 9 बज गए, 9 बज गया बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा आप समझो कि बहुत क्लासी एकदम अपना इनका कंडक्ट, बहुत एकदम ऐसे इनका है अमीरों वाली बात इनके साथ है ना, कि आप जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ ये लोग सारे वो हैं कि जो टूटी खोल के ऐसे कुप्पा बना लेते हैं कि पानी पीने सब लोग। मैम अपना एयरपोर्ट जाती है टूटी खोल के स्टॉल लगा लेती है कि हाँ। और अनुपम सर इनसे भी क्लासी हैं, वो उन्होंने बंदे रखे हैं कि मेरे बिहाफ पे पानी पी गया हो जाए। और जैसे अब ये इनका तो पता ही कि इनको खाने का बहुत शौक है, पर्टिकुलर इनको नॉन वेज का बहुत शौक है। अच्छा, इनको ऐसा लगता है किसी आंटी ने लाल रंग की बिंदी लगाई तो वो नॉन वेज है। बाकी नहीं सर, बढ़िया सारी, मैं तो सीखा बहुत हूँ इन सबसे कि ऐसे जैसे इनको सारे नुस्खे पहले पता है ऑलरेडी। अच्छा, ये पहले मना कर दें कि सुनो इतना दूंगा लेना लो नहीं जाओ। अच्छा, और वो फिर अपना बाहर जाके बातचीत करके आते हैं, कह रहे चलो जितना मिल रहा बटोर के चले हम।
इनको ये, इनको ये सारे हिसाब का पता, इनको अगर इन्वेस्टमेंट देनी होती ना, ये किस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट दे देते हैं कि देखो हमें बिजनेस समझ नहीं आ रहा पर हमें तुम अच्छे लगे। अच्छा ये अगर इनको ना देने हो, अच्छा वाला बिजनेस हो, प्रॉफिटेबल हो, इनको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं देनी ना, इनके पास गिन चुन के चार रीजन है। अच्छा ठीक है, कि अगर कोई आदमी बी टू बी, बी टू सी मतलब दोनों में है तो उनको कहते हैं कि आपका जो है फोकस नहीं है, आप दोनों में क्या कर रहे हैं। और अगर कोई बंदा बेचारा भूला बिसरा सिर्फ बी टू बी या सिर्फ बी टू सी में है, कह रहे आपका विजन लंबा नहीं है। वो कह रहे अगर कोई कोई कंपनी आती है जो ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, उसको भी यही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप ये। हाँ। और अगर कोई बेचारा इन चारों में से किसी एक में, उसको भी सेम कहते हैं क्या कर रहे हैं आप। ये इनका इनका मैंने बाहर टीवी बैठ के सारा फंडा देख लिया कि इनका ये गिने चुने रीजन है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड शार्क कौन सा है? कोई नहीं इनमें से, कोई इनमें से, कोई सॉफ्ट हार्टेड इनमें से कोई। और सबसे टफेस्ट, द टफेस्ट शार्क अमंग यू? मेरे हिसाब से सबसे टफ नमिता मैम है, क्योंकि ये पिच के पहले दो मिनट में बाहर हो जाती है। तो इनको 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 मना के लाना कि हमारी बात तो सुन लो, वो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा डील मैंने की है इस सीजन में। ऐसा मैम आपको लगता है? नहीं सर, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा डील मैंने की है। हां मैं क्या बकवास कर रही हूं, वो भी बिना सुने की। अच्छा आप पुणे से ले लो। ए आप पुणे पुणे। देखिए अगर आपने नाम ओब्रॉय रखा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं डील करूंगा। आई सेड नो, आई हैव अदर इन्वेस्टर्स। ओके बाय। आउटगोइंग तेरी बंदा किससे डील कर रहा था तू? तू पहले पॉपकॉर्न लेके आता था, आज तू ये क्या बैग लेके आ रहा है? क्योंकि आज पॉपकॉर्न खरीदने वाले नहीं, आइडियाज खरीदने वाले आए हैं। तो मैं आइडियाज लेके आया हूँ, ढेर सारे आइडियाज। सर माई सेल्फ राजू सिंघानिया, मैं पंजाब से आया हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, पंजाब से आया नहीं, निकाला गया। But I love your mismatching, bro. कोई चीज आपस में नहीं मिल रही, मुंह बॉडी से नहीं मिल रहा, सारा कुछ ही अलग अलग है। He is always right because he has the Kapil Sharma show. तो हम बोल नहीं सकते, ये बोल सकता है। अब बताना क्या हुआ आगे? मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि रिसेशन बहुत चल रहा है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है और जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने महंगे एम्प्लॉयज निकाल रही हैं। तो तुझे क्यों निकाला? ना तो एम्प्लॉय ना तो महंगा। तुझे क्यों निकाला? मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बता दो एंटरप्रेन्योर का। ये तो आते ही काटने लग पड़े। सर ही इज आर एंटरप्रेन्योर और मैं पैदा ही बिजनेस करने के लिए हुआ हूँ, ये मैं जानता हूँ। और आई हैव क्वालिटीज ऑफ लाइक दैट। तुम्हारी अम्मी जान ने भी कुछ कहा होगा शायद, वो भी तो बोल लो लाइन। अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर छोटा नहीं होता। हम ये देखो ये झींगो का शाहरुख खान। क्यों तू खराब कर रहा है काम उसका? बताइए शाक, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिजनेस फैमिली से हूँ और मेरे पापा बैंकर हैं। पूरा पूरा बता, पूरा बता। बैंक कहाँ पे आपका? बैंकर क्या है कि मान लो इनके पिताजी को 50 का नोट देता है। हाँ। नोट थोड़ा फटा होना चाहिए, साबुत नोट नहीं लेते। तो फटा नोट अगर 50 का दोगे वो 42 रुपए वापस करते हैं, 8% अपने पास रखते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं बदलते, पुलिस आ जाए लोकेशन बदल जाती बैंक की। अपनी टपरी उठाते हैं और निकल जाते हैं। वो पैनेडेमिक से पहले की बात है, हमने धंधा चेंज कर लिया है। क्या क्या अभी क्या? हम रैकेट बनाते हैं। रैकेट बनाते हैं, रैकेट चलाते हैं। इनके पापा ने 15 लड़के रखे हैं, सारा दिन कुछ नहीं करते, रात 8:30 के बाद लड़कियां बन जाते हैं। वो फिर हाईवे पे ट्रक लूटते हैं। नहीं मैं बताना चाहता हूँ पापा की बात। हाँ। पापा ने वहां पर बेरोजगार लड़कों को इकट्ठे किया, आज वो 15,000-15,000 रुपए कमा रहे हैं। 15,000 रुपए और साथ में 6 दिन और 7 रात का जेल का पैकेज भी तो मिलता है कभी कभी। तो कौन सा धंधा है जो बगैर रिस्क के होता है? शार्क्स आप बताते हैं। हाँ। कि रिस्क ना लेना ही धंधे का सबसे बड़ा रिस्क है। इसका कोई कसूर नहीं है। पिछले हफ्ते ना यहाँ पे आए थे विवेक बिंद्रा,
इसने उनका अंगूठा चूस लिया, तब से ये ऐसी बातें कर रहा है, रिस्क नहीं लेना ही रिस्क है, पता नहीं क्या। सर मैंने बिजनेस की बात, अपने रस लेके आया चाय के साथ खा, मुझे क्या लेना। मैंने मैं आइडियाज लाया हूँ बोरा भर के, लेकिन दूंगा मैं तब जब यहाँ के सब कैमरे बंद कर दिए जाएंगे। वो तो वैसे ही जब टीवी पे आता है लोग वैसे ही म्यूट कर देते हैं, इंटेंशन ना ले उस चीज की, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद करते हैं। और धंधे का उसूल है, मूल मंत्र, जो दिखता है वही बिकता है। ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने, इससे पहले ये जिस चैनल पे दिखता था ना वो बिक गया। यार सर, सर एक और साइड बनाइए जैन साहब, मुंह देखो। सर इनको मजाक करने की इतनी आदत है, अब तो हार मान जा भाई। नहीं नहीं क्यों मानूं। ये देखा ना, फिर अमीर अमीर का साथ देता है, गरीब की सुनी नहीं रहा। क्या आवाज बोली भाई। अच्छा प्रोडक्ट तो दिखा जो लेके आया। चलिए मैम, आप सर प्रोडक्ट सबका देख लेते हैं ना। आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिसको लगा के आदमी अपने अंदर झांक सके कि मैं करना क्या चाहता हूँ? बनाना पड़ेगा, एक बना दीजिए प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे नॉर्मली ये भाई साहब ना कोट वोट पहन के बैठते हैं इंटरव्यू देने, आज आप अमीर आए ना तो कमीज पहन के बैठ गए, शायद इसको भी कुछ दे के जाओ आप। अच्छा ऊपर से बटन भी ऐसे खोले या यही डाल के जाओ। मैं यहाँ पे पैसे क्यों रखूंगा, इधर ब्याज ज्यादा आता है। सर मैं प्रोडक्ट लाया हूँ। हाँ जी हाँ जी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और आरओआई अनलिमिटेड। सर मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए आपने लगाने हैं उसमें, 10 रुपए, और करोड़ों का मुनाफा है प्रोडक्ट में। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? ये देखिए, ब्लेड ब्लेड ब्लेड, सिर्फ 10 रुपए का। इससे आप किसी भी दुकान का ताला खोल सकते हैं। ये तो फिर चोरी हो गई भाई साहब। चोरी तब होगी जब आप पकड़े जाओगे। दिस इज स्टार्टअप टुवर्ड्स ए हिंदी बोल मर, तेरे मुंह में फंस रहे स्पेलिंग इंग्लिश के। इसके तो जेल में जाओगे, रॉयल लाइफ का होगी भाई। सर देखो, जो बंदा ये काम करेगा वो इसका मतलब गरीब है, उसके पास पहले दो रोटी नहीं है, या तो चोरी करके ज्यादा रोटी खाएगा, नहीं तो जेल की दो रोटी तो है ही। करेक्ट। दिस इज कमाल है, वेरी गुड। और अगर आपको पसंद नहीं है कोई, ये नहीं है तो इसके पास चूरण भी है। नहीं नहीं सर, जेल से मत डरिए आप, मेरे पास दूसरा स्टार्टअप है, उसमें थोड़ी सी बेशर्मी चाहिए साथ में। ये तेल है। सिर्फ चड्डी पहन के तेल लगा लीजिए, कोई भी आपको पकड़ेगा, पकड़ नहीं सकता, आप फिसल के निकल जाओगे। सो दिस इज ऑल। काली चड्डी गैंग सुना होगा आपने। तो वो इनके चाचा जी फाउंडर मेंबर थे उसके, सारी बॉडी पे तेल लगाते थे, पुलिस को पता चल गया चड्डी पे तेल नहीं होता, उन्होंने एक दिन चड्डी से पकड़ा, इसका चाचा चड्डी से ऐसे निकला है जैसे बोतल में से रॉकेट कितनी तेज नहीं निकलता। इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? और 2% इक्विटी। 2% इक्विटी, पैसा कितना? 1 करोड़। 1 करोड़। मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा है, हमें नहीं लगता कि हम सब मिलके तुम्हें 2-2 थप्पड़ से ज्यादा मार सकते हैं। सर मैं फिर सस्ता आइडिया, परफेक्ट। क्या सर, इतने आप करोड़ों रुपए के फ्लैट लेते हैं, बालकनी, सी फेसिंग, गाड़ियां लेते, इतनी लग्जरीज। सर एक कबूतर आता है, उसके ऊपर अपनी गुड लक फेंक के चला जाता है। करोड़ों रुपए की चीजों पे इतनी गंदगी हो रही है ना सर, उसका मैंने एक उपकरण बनाया है, हम कबूतरों को कच्चे पहनाएंगे। ए, एक बात बताओ, तुमने खुद पहना है? खुद पहना है। आप दोनों का दिमाग एक जैसा क्यों चल रहा है? नहीं नहीं, पर मैं बता रहा हूँ सर, 99% इक्विटी, ओनली ₹199 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि कच्चे आपने पहनाने। मेरे पास एक आइडिया, उससे सारे सहमत होंगे। जरूर जरूर। सिक्योरिटी। और कोई बचा आइडिया? यार ये पता नहीं क्यों डाल दिया, उन्होंने लिखा तो है नहीं इसके बारे में कुछ। सर थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद है, आप सब जानते हैं शार्क टैंक में जो हमारे शार्क्स हैं, वो जो भी लोग अपना आइडिया पिच करते हैं उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। आप सबको क्या लगता है बार्गेनिंग में कौन ज्यादा अच्छा होता है, लेडीज के जेंट्स? पाजी को माइक दे दीजिए। सत श्रीकाल कपिल। सत श्रीकाल पाजी, क्या हाल चाल? हेलो एवरीवन,
मेरा नाम तलविंदर है, मैं लुधियाने तो हूँ, पंजाब तो। जी सर, हिंदुस्तान के इतने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो जेंट्स भी हैं लेडीज भी हैं बीच में, और जी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के कंडीशंस लगा के बेस्ट डील ग्रैब करते हैं। तो बेसिकली जो बार्गेनिंग है वो मेरे गारमेंट का काम है, लुधियाना में मेरा स्टोर है और वहाँ पे जेंट्स भी आते हैं लेडीज भी आते हैं। अच्छा जी, लेडीज हैं जो बार्गेनिंग भी बहुत करती हैं और जिद्दी भी बहुत होती हैं और साथ के साथ लालच देती हैं। क्या लालच? सर वो ये देती हैं कि वो मेरे को ज्यादा डिस्काउंट मांगती हैं और इसके बदले में वो बोलती हैं कि मैं अपनी फ्रेंड्स और कलीग को लेके आऊंगी। अच्छा, और आप उनको कम डिस्काउंट दे दो, मेरे को ज्यादा डिस्काउंट दे दो। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें मालूम है कि उन्होंने वीकेंड पे आना है तो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो पर्टिकुलर उनकी जो चॉइसेस हैं उनके प्राइसेस थोड़े बढ़ा देते हैं। अच्छा, बिजनेस भी करना है सर, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, तो इस तरीके से हम दोनों काम कर लेते हैं। डिस्काउंट भी उनको मिल गया और हमारी सेल भी अच्छी हो जाती है। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। शुक्रिया तलविंदर जी, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। आई एम आशा गणेश फ्रॉम हॉलैंड। बेटा की शादी है। अच्छा, अरे वाह, इतना बड़ा हो गया बेटा आपका। अच्छा, फिर भी मैं जवान हूँ ना। नहीं नहीं, बहुत आप बहुत प्यारी लगी, बहुत फिट हैं आप। मैं बार्गेन बहुत करती हूँ इसलिए। अच्छा जी, बार्गेनिंग करने से जवान रहता बंदा। हाँ सर, वो और जो सामने वाला बूढ़ा हो जाता है टेंशन में, जिससे पैसे हॉलैंड में बार्गेनिंग करने नहीं देते वो लोग। Not at all. अच्छा? हॉलैंड में जो बार्गेन करेंगे तो वो सब देखेंगे कि ये क्या, कहाँ से आया है तुम लोग, ये क्या कर रहा है। सो मुझे बहुत मजा आते है यहाँ आने के लिए। सो टू शॉप अ लॉट एंड बार्गेन अ लॉट। अच्छा, आपका बेटा भी आया जिसकी शादी है? नहीं, बेटा नहीं, बेटी आया है। बेटी आया है? बेटी आया है। हेलो बेटी। हेलो, माय नेम इज मोनिका। हेलो, हाय मोनिका। I just want to say I love the show. I love thank watching you. It thank from you. Holland. So thank you. Which one? The Patricia Mashaw. So I just want to say when we go shopping, tells me a lot of instructions before we go into the shop. So my mom say, don't smile. Don't look into the shopkeeper's eye. Don't act like you're totally excitement about the garment. अच्छा, ये भी होते हैं rules regulation bargaining के? Just look and say, oh, ये quality अच्छा नहीं है. And just go outside. And then tell me which one you want and I get it for you for the right price. But Kapil. जी मैम. I watch your shows always. Thank you, thank you. You have wonderful outfits. Do you bargain as well? And how do you bargain? नहीं, हम ये पहन के अभी वापस कर देंगे जिनका भी है। No bargaining, no investment, only enjoyment. One episode, finish. शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much for coming. और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो? जी भाई साहब। Hello Kapil sir. क्या हाल है? Everyone. Hello. मैं गौरव कुमार जौनपुर यूपी से आया हूँ। जी गौरव, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कहना है कि लेडीज से ज्यादा हम जेंट्स बार्गेनिंग करने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और करते भी हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि जो चीज जितने में रहती है उसकी 50% में मैं हम खरीद सकते हैं। क्या खरीदा है ऐसा आपने? सपोज एक टी शर्ट खरीदना हो, वो 1600 की है तो उसको 800 में हम खरीदते ही है। तो क्या पता हो 400 की। ये भी तो हो सकता है। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारे अंदर कितने लोग हो तुम लोग। मेरा कहना है कि शॉपकीपर अगर नहीं दे पा रहा है तो दूसरे भी तरकीब हमारे पास रहते हैं कि हम वो चीज ट्राई करें तो वो दे सकते हैं। कौन सी चीज दिखाते हैं जिसको देख के वो पैसे कम कर देते हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.